अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के टेस्ट मैच के ऊपर जो आज पहला दिन था उसका। पहला दिन के एंड पे साउथ अफ्रीका 220 पे ऑल आउट हो गया और पाकिस्तान ने अगेन, एक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान ने उनको जल्दी आउट किया, तो इट वुड बी अ गुड परफॉर्मेंस जिसमें वो कोई अच्छा परफॉर्म करेंगे, डोमिनेंट पोजिशन में आएंगे, क्योंकि 220 इज़ नॉट अ वेरी बिग स्कोर। बट पाकिस्तान ने आके कोई अच्छा स्टार्ट नहीं किया, ओपनर्स जल्दी आउट हो गए, और उसके बाद फिर अजहर अली और बाबर आजम पे होप्स थी कि होम सीरीज़ में अब चांस है पाकिस्तान के पास कि दिस इज़ द राइट मोमेंट कि जहाँ पे बैट्समैन स्कोर कर सकते हैं और अपनी वर्थ प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि सारी दुनिया में ऐसा ही होता है कि आप अवे जाके स्ट्रगल करते हैं, बट एट होम यू डू परफॉर्म। होम कंडीशंस होती हैं जहाँ पे आप टेस्ट सीरीज जीतते हैं, आप परफॉर्मेंस देते हैं आपके जो प्लेयर्स होते हैं, बट अगेन ऐसा लग रहा था कि शायद ओपनर्स, क्योंकि प्रेशर है, फिर इनएक्सपीरियंस भी है, क्योंकि इमरान बट अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे थे, लेकिन अगेन स्टिल इट वॉजेंट अ वेरी गुड शो बाय द पाकिस्तानी बैट्समैन, जिसमें उम्मीद थी कि अजहर अली या बाबर आजम खड़े होकर एक लंबा स्कोर करेंगे। अगेन दी बैटिंग कलेप्स्ड टोटली, जिसमें चार बैट्समैन आपके बिल्कुल कलेप्स कर गए, इंक्लूडिंग दी लाइक्स ऑफ बाबर आजम, इमरान बट और आबिद अली। और नाइट वॉचमैन यू कैन स्टिल डिबेट के शहनशाह अफरीदी, बट स्टिल 4 विकेट्स गोइंग डाउन। पाकिस्तान इज अगेन इन अ मोमेंट ऑफ क्राइसिस, जो कि यूजुअली पाकिस्तान की बैटिंग होती है, और पिछले 2 साल से कुछ बहुत ज़्यादा हो रही है एज फार एज टेस्ट आर कंसर्नड। अब फवाद आलम जो कि अपना डेब्यू कर रहे हैं एक तरह से टेस्ट सीरीज़ में, क्योंकि टेस्ट मैच जो पहले ही पाकिस्तान से बहुत कम खेले हैं, लेकिन पाकिस्तान में पहले वो कभी मैच नहीं खेले, तो एक तरह से उनका डेब्यू है, और उसके बाद कराची में खेल रहे हैं इज़ अ लोकल बॉय, सो वो चाहेंगे कि वो परफॉर्म करें, सेंचुरी करें यहाँ पे, और इसके टीम को ज़रूरत भी है उनसे स्कोर की। दूसरी तरफ अजहर अली खड़े हैं, अजहर अली ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी लास्ट टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो उनके पास भी फॉर्म है और वो भी कोशिश करेंगे इसको कैपिटलाइज किया जाए। तो ऑन दी अदर हैंड साउथ अफ्रीका बहुत खुश होगा, क्योंकि अवे सीरीज में जाके पहला दिन अच्छा होना बड़ा ज़रूरी होता है, और अगर आप डे 1 के एंड पे बात करें तो मोर और लेस साउथ अफ्रीकन टीम वुड बी द मोर हैप्पीएस्ट ऑफ द 2 टीम्स, क्योंकि आउट तो बेशक बहुत जल्दी हो गए, लेकिन दे हैव पाकिस्तान फॉर 30 for 4, और स्टिल यू हैव द बैटिंग लाइक्स ऑफ लाइक फवाद आलम और अजहर अली क्रीज पे हैं, मोहम्मद रिजवान ने आना है, फहीम अशरफ हैं, बट स्टिल 4 विकेट्स उन्होंने ले ली हैं, सो इफ दे कुड गेट 2-3 विकेट्स इन द फर्स्ट सेशन टेस्ट मैच के पहले दूसरे दिन के पहले सेशन में, अगर वो 2-3 क्विक विकेट्स ले लेते हैं, तो इट मीन्स के दे आर राइट बैक इन टू द ड्राइविंग सीट ऑफ दिस टेस्ट मैच। अगर पाकिस्तान 200 से पहले कहीं आउट हो जाता है, और इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन अगर 40-50 की लीड होती है और फिर उस पर बिल्डअप करते हैं, तो आखिरी इनिंग्स में इट कुड बी अ वेरी मैसिव स्कोर फॉर पाकिस्तान टू गेट। तो कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इज दैट साउथ अफ्रीका का एक ही मोटिव होगा कि वो पहले सेशन में आके पहले 1 घंटे को अच्छी तरह कैपिटलाइज करें फास्ट बॉलर्स के साथ, क्योंकि फ्रेशन अप होगी पिच, सारी रात कवर्स पड़े रहे हैं तो थोड़ा सा मॉइस्चर होगा, फिर बॉल भी बहुत पुराना नहीं है, इट इज़ जस्ट 18-20 ओवर्स ओल्ड बॉल, तो अगर शायद कोई रिवर्स उनकी मिल सके, क्योंकि जेन्युइन फास्ट बॉलर्स हैं साउथ अफ्रीकन लाइनअप में, जो कि आज मैंने देखा कि उनकी स्पीड कंसिस्टेंटली 140-130, जो लेट 130s और क्लोज टू 140-145 की स्पीड पर बॉल कर रहे थे, जो कि क्विकेस्ट ऑफ द इनफैक्ट टेस्ट मैच थे। और उसके बाद फिर पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड साइड वुड लुक कि हम पहले एक सेशन को एटलीस्ट पहले 1 घंटे को आराम से गुजारें और फिर उस पर कैपिटलाइज करें। पाकिस्तान वुड आइडियली कोई एक आधी विकेट ज़्यादा नहीं गिराना चाहेगा पहले सेशन में, और शायद एक विकेट भी ना गिराना चाहे आइडियल सिचुएशन में, बट प्रॉबली पाकिस्तान को बैटिंग करनी होगी आउट ऑफ देयर स्किन्स टू कम आउट ऑफ दिस ट्रबल सम सिचुएशन, और एक दफ़ा फिर से मोहम्मद रिजवान पे जो है वो स्ट्रेस होगा, जिम्मेदारी होगी टीम की, और देखें क्या सिचुएशन बनती है। बट इट हैज़ बीन अ रियली टफ सिचुएशन, अगेन पाकिस्तान की बैटिंग कलेप्स की, और अगेन फ्रॉम अ मोमेंट ऑफ विनिंग और प्रॉबली ड्राइविंग द ओपोनेंट आउट ऑफ द टेस्ट मैच, अगर पाकिस्तान बैटिंग करे लंबी तो शायद साउथ अफ्रीका उस मैच से बाहर कर दे, बट अगेन हिम्मत का काम है अगर आप पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान का मैच देखते हैं उन लोगों का एक अलग लेवल है, अगर आप इसको इस तरह टर्म करें, बिकॉज यू नीड टू बी वेरी पेशेंट एज अ पाकिस्तानी सपोर्टर, एज अ पाकिस्तानी फैन। सो पाकिस्तान इज इन हॉट वाटर्स एट द मोमेंट, बट लेट्स सी डे 2 पे किस तरह की सिचुएशन टर्न अप होती है, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, स्टे ट्यून्ड फॉर द मोर अपडेट्स, और इंशाल्लाह जब दूसरा दिन खत्म होता है टेस्ट मैच का तो हम दोबारा उस पर अपना एनालिसिस शेयर करेंगे। फॉर द नेक्स्ट अपडेट स्टे ट्यून्ड टू द चैनल, सब्सक्राइब इट एंड हिट